हैदराबाद से, जहां लोयाबाद सिजवा एरिया 5 के पास जोड़ा साकार मास वेंचर आउटसोर्सिंग कंपनी के 10 सिम में मिला है शव। शव की पहचान धीरज चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने मौके से एक बाइक भी जब्त किया है। घटना के बाद आजसू नेता ने कंपनी को बताया घटना का जिम्मेदार लोयाबाद थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो एक शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से एक बाइक भी जब्त किया है। घटना के बाद आजसू नेता ने कंपनी को घटना का जिम्मेदार बताया है। शव की पहचान धीरज चौहान के रूप में की गई है। जो बॉडी मिली है, बताया जा रहा है कि उस शख्स का नाम धीरज चौहान है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी बासुकीनाथ हमारे साथ जुड़े हुए। बासुकीनाथ, क्या है ये पूरा मामला? जी आरती, मैं आपको बता दूं कि सिजवा एरिया 5 के बाजोड़ा स्थित है डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में आज एक युवक की शव आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर मिली, जिसके बाद लोगों में सनसनी मच गई। जेवर पुलिस ने घटनास्थल पर बहुत शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गए। सूत्रों के मुताबिक युवक कोयला लेने के लिए आउटसोर्सिंग परिसर में गया और वहाँ इतनी बड़ी घटना घटी। युवक की मौत कैसे हुई है एक जांच के विषय है। वही घटना के बाद जिलाध्यक्ष मंटू मासो ने सीधे तौर पे कंपनी को जिम्मेवार बताया कि एक आम मजदूर एक आम पब्लिक आउटसोर्सिंग के अंदर कैसे घुस गया और किस तरह घटना हो गई, इसकी जिम्मेवार आउटसोर्सिंग प्रबंधक है। क्योंकि प्रबंधक कुछ नियम कानून जो है वो ताकते रखते अपनी काम कर रही है। युवक की पहचान धीरज चौहान के रूप में फिलहाल की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बासुकीनाथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।